जो मनुष्य जाति ने बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो मेधा प्राप्त की हो, जो एक स्तर पर गए हो बुद्धि के, तो ऐसे बहुत कम हुए हैं। आयुर्वेद ने बताया है कि बुद्धि के भी बहुत क्षेत्र है, बहुत पार्ट्स है, बहुत विभाग है। उसमें एक विभाग आता है मेधा का। तो मेमोरी अलग है, बुद्धि अलग है, मेधा बिल्कुल अलग है। तो बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, वो सभी के ऊपर मनुष्य के जीवन की सफलता का या निष्फलता का आधार होता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है उसका आचरण भी शुद्ध होता है, और जिसकी बुद्धि कलुषित होती है उसका आचरण भी कलुषित होने लगता है। क्योंकि बुद्धि ही कंट्रोल करती है मन को, मन इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को, पूरी चेन है ऐसी। तो अभी जो दवाइयां है वो शरीर को तो प्रभावित करती है, ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को भी प्रभावित करती है। कोई कोई रोग होते हैं जो इंद्रियों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे अभी कोरोना आया तो बहुत लोगों की सेंस चली गई। हम देखते हैं ना कि सूंघने की शक्ति, स्मेल चली गई, या टेस्ट करने की जो शक्ति है टेस्ट, वो चली गई। तो कुछ सेंस में कोई तकलीफ हुई। आयुर्वेद में इसका कारण बताया है, ऐसा क्यों होता है। तो वो जो स्मेल का या इसका टेस्ट की जो क्षमता थी वो चली गई, बहुत लोगों को सुनने की क्षमता भी चली गई। तो ये एक ज्ञानेंद्रिय की शक्ति का हमने परिचय देखा था पहले आयुर्वेद के विषय पर भी। उसके ऊपर भी एक मन है, जो हम भयभीत हो जाते हैं तो हमको पता है अटैक आ जाता है। कोरोना भी हो गया बहुत भय के कारण, भय का माहौल बन गया तो कोई भी रोग ज्यादा प्रसारित हो गया। तो मन के लिए भी आयुर्वेद में बताया है स्वस्थ रखने के लिए। और एक उससे भी ऊपर है जो सर्जन करती है बुद्धि, जो विचार करती है, जो कल्पना करती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में ये बुद्धि का संरक्षण करने के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए, या बुद्धि के भी जो आहार है वो विशिष्ट औषधियों का एक योग बताया है। जो ऋषि मुनि ने स्मृति शक्ति को अखंडित रखा और जीवन के अंत में भी वो बहुत सारे ग्रंथों का सर्जन कर सके और सात्विक जीवन के अंत तक रह सके। नहीं तो बहुत कम संभावना होती है कि बड़ी उम्र में लोग क्रोध से मुक्त रहे, बड़ी उम्र में लोग चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहे, बड़ी उम्र में लोग चंचलता से मुक्त रहे, बड़ी उम्र में लोग अधिक बोलने से मुक्त रहे। ये बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो न्यूरॉन से वो घिसते जाते हैं और वो वापस नहीं बनते हैं। तो ये जो न्यूरॉन से, उसी का जो कार्य क्षेत्र अलग अलग आयुर्वेद ने बताया है वो अतिशय सूक्ष्म है। मॉडर्न साइंस यहां तक पहुंचा नहीं है लेकिन न्यूरॉन्स तक पहुंच गया है। तो गर्भावस्था में भी प्रतिक्षण न्यूरॉन्स बनते हैं, और एक बार बने वो वापिस फिर लाइफ टाइम के लिए ही वो बनते हैं, फिर वो नाश होते हैं तो फिर वापस नहीं बनते हैं। ऐसा मॉडर्न साइंस भी स्वीकार कर रहा है। विदेशों में इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी छपी है। तो गर्भ संस्कार का भी महत्व हम उससे समझ सकते हैं कि वो न्यूरॉन्स बनने की जो प्रोसेस है वो गर्भावस्था में विशिष्ट औषधियां दी जाए तो न्यूरॉन्स बनने की क्रिया में एक स्वस्थता आती है, रिदम आती। तो बुद्धि का हमको देखते हैं कि व्यक्ति की पहचान ही बुद्धि है, और ये बादाम से बढ़ने वाली तो नहीं, निश्चित ही बादाम उसमें स्मृति में थोड़ा बहुत उपयोगी हो सकती है, लेकिन बुद्धि की स्तर पर की जो बात है वो अलग बिल्कुल है। तो उसके लिए आयुर्वेद ने विशिष्ट औषधियों का एक मेलन दिया है। चरक संहिता में इसको मेध्य रसायन, ब्राह्म रसायन के नाम से जाना जाता है। तो बौद्धिक वर्ग है उसको, खास करके जो बुद्धि से काम करते हैं, जो मन से काम करते हैं, उसको थकान ज्यादा लगती है। लोग सोचते हैं ऑफिस में बैठे बैठे थकान कैसे लगती है,
कंप्यूटर पे काम करके करते थकान कैसे लगती है, अकाउंटिंग का काम करते करते थकान कैसे लगती है। मजदूर सोचता होगा कि ये तो बैठा रहता है पूरा दिन और मैं मजदूरी करता हूं तो मैं, लेकिन एक श्रम मन का भी होता है। शरीर जैसे दौड़कर थक जाता है, शरीर जैसे काम करके थक जाता है, ऐसे मन भी थक जाता है। और मन की थकान को मिटाना भी जरूरी होता है, नहीं तो उसका सीधा असर हमारे स्वभाव पर होता है, हमारे व्यवहार पर होता है। स्ट्रेसफुल व्यक्ति डिसीजन सही नहीं ले सकता है, स्ट्रेसफुल व्यक्ति कोई भी काम उत्तम रीति से नहीं कर सकता है। इसके लिए आयुर्वेद में, बौद्धिक लोगों के लिए आयुर्वेद में एक व्यवसायात्मकता भी है कि आप किस प्रकार की जीवन शैली जीते हो उस तरह से भी औषध निश्चित होता है आपका। मजदूरी करते हैं, खेत में काम करते हैं, बौद्धिक काम करते हैं, वैद्य है, पूजा पाठ का काम करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, ज्यादा देर बैठते हैं, दुकान है, क्या है, किस तरह का कार्य है, तो इस तरह का एक बौद्धिक लोगों के लिए एक रसायन बताया गया है जिसका नाम है मेध्य रसायन। दो प्रकार के उसमें बताए हैं, एक अथर्ववेद के मंत्रों से सिद्ध करके बनाया जाता है और एक बिना मंत्रों के बनाया जाता है। दूसरा पाठ भी मंत्रों के साथ है। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां मंत्रों से बनाने का विधान है, बहुत कम लोग बनाते हैं मंत्रों से। हम उसको प्रयत्न करते हैं कि दूसरी विधि के अनुसार उसको व्यवस्थित रूप से बनाते हैं और इसका परिणाम भी सामने आता है, मेध्य रसायनम जिसका नाम है। बौद्धिक वर्गों को खास ये उपयोगी होता है, जो न्यूरॉन्स बनने की प्रोसेस है वो रिदम से चलती है, तो क्या होता है कि बुद्धि, स्मृति, वाचा, उसको पोषण मिलता रहता है। ऐसी विभिन्न औषधियों में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, वचा, आंवला, गोघृत, ये सारी औषधियों का मिश्रण करके चरक में जो बताया है वो मेध्य रसायनम है। वो मेध्य रसायनम को इस तरह से बनाया जाता है, कौन कौन इसका विशेष सेवन कर सकते हैं, खास करके जो मानसिक रूप से कार्य करते हैं, जो वो लोग इसका सेवन करे तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है। मानसिक रूप से जो लोग ज्यादा परिश्रम करते हैं, ज्यादा थकान अनुभव करते हैं, ज्यादा लिखा लेखन करते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा प्रवचन देते हैं, प्रचार करते हैं, ऐसे जो लोग बौद्धिक बुद्धि का उपयोग करते हैं और बौद्धिक स्तर पर का कोई कार्य करते हैं या मानसिक स्तर का कोई कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर है, वकील है, डॉक्टर है, तो ऐसे आईटी में है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन आज मन और बुद्धि के इस योजना के अंतर्गत आते हैं। तो इसके कारण जो क्षति होती है और उसी के कारण हम उसको रसायन के कोई प्रयोग नहीं करते हैं आजकल, और इसके कारण हम देखते हैं कि करीब करीब 40-50 साल की उम्र आते आते मन थक जाता है और इसका प्रभाव सीधा हमारे स्वभाव पर पड़ता है, हमारे निजी जीवन पर पड़ता है, हमारे टसल होती है, हमारा एक गुस्सा होता है या हम स्ट्रेस अनुभव करते हैं या हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, व्यग्र रहते हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां बताई है, उसके लिए एक मेध्य रसायनम ये श्रेष्ठ औषधि है। सेवन करने का काल सुबह एक चम्मच, शाम को एक चम्मच, जिसको नींद ना आती हो खास करके वो शाम को एक चम्मच इसका सेवन कर सकते हैं तो उसको अच्छी नींद आने लगती है। नींद को गहरी करने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है, जिसको ज्यादा स्वप्न आते हो वो भी इसका उपयोग कर सकता है। तो स्वप्न क्यों आते हैं, जब नींद हमारी प्रॉपर नहीं होती है तो स्वप्न आते हैं, सुषुप्ति नहीं होती है तो स्वप्न चलते रहते हैं, तो जिसको ज्यादा स्वप्न आते हो वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं रात को सोते वक्त। बौद्धिक वर्ग भी इसका उपयोग कर सकता है सुबह और शाम को। तो ये मेध्य रसायनम है, एक उत्तम प्रकार का रसायनम है और ये शरीर से ज्यादा मन को और बुद्धि को प्रभावित करता है। इसके लिए जो मानसिक रूप से जो कार्य करते हैं लोग, बुद्धि से कार्य करते हैं, उसके लिए आयुर्वेद में एक उत्तम रसायन बताया गया है। क्या रसायन का अर्थ है, रसायन का अर्थ ये है कि यद जरा नाशनम, रोग नाशनम,
व्याधि नाशनम, जो जरा को व्याधि को भय को रोग को दूर करता है उसको रसायन कहते हैं। तो रसायन चिकित्सा आयुर्वेद की एक चिकित्सा है कि हर एक ऋतु में हम एक पोषण देते हैं, जैसे कुदरत पूरे वृक्षों को पोषण देती है वसंत में, उसी तरह से मनुष्य के शरीर को भी एक पोषण चाहिए, बुद्धि को मन को एक पोषण चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो रोज का आहार है वो पर्याप्त नहीं होता है, तो इसके लिए उसकी पूर्ति करने के लिए आयुर्वेद में ये रसायन प्रयोग बताए हैं। तो वो सभी जो तत्व हमारे कम होते हैं उसकी पूर्ति रसायन से हो जाती है। इसके लिए हर एक लोगों को कम से कम ठंड की ऋतु आए, अनुकूल ऋतु आए ऐसी, तो कोई ना कोई रसायन प्रयोग अवश्य करने चाहिए। वो यदि कहीं जाकर न कर सके तो अपने घर पर कर सकते हैं, अपने घर पर उसको करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। यदि उसके ऊपर उपेक्षा करता है कोई तो शरीर और आयुष्य की हानि होती है और आयुष्य दिन प्रतिदिन घटता जाता है। तो इसके लिए रसायन प्रयोग के लिए आज मैंने ब्राह्म रसायन के, मेध्य रसायन के बारे में बताया। तो ये मेध्य रसायन एक बहुत ही उत्तम प्रकार का रसायन है। दूसरा जो उसी के रिलेटेड है ये बता देता हूं, दूसरा है वो है मालकांगनी यानी ज्योतिषमती करके एक औषधि आती है। पहले के समय पे गुरुकुल पे जब बच्चे पढ़ते थे तो उसको ज्योतिषमती का तेल ब्राह्मी शंख पुष्पी की भावना देकर उसके बीजों से निकाला जाता था और उसको पिलाया जाता था। हम गुरुकुल में पढ़ते थे, प्रतिदिन इसका सेवन करते थे, तो सर्दी खांसी कफ वगैरह है इसमें बहुत ही लाभदायक होता है। और खास करके वो कफ मस्तिष्क में जो अंदर रहने वाला तर्पक कफ है उसकी विकृति को दूर करने के लिए ये तैलम, स्मृति वर्धक तैलम यानी मेमोरी ऑयल बहुत उपयोगी होता है। तो उसको गाय के दूध में 2-3 बूंद या बतासे यानी शुगर केन डी के साथ उसको ले सकते हैं, जिसको हम बतासा कहते हैं छोटा छोटा, या मिश्री के साथ या अपना खांडसरी के साथ किसी के चूर्ण के साथ उसको ले सकते हैं। विद्यार्थी इसका खास सेवन करे, जो कोई पढ़ रहा है वो खास सेवन करे, 2-3 बूंद केवल लेनी होती है गाय के दूध के साथ, और बहुत ही अच्छा परिणाम उसका मिलता है स्मृति में। तो एक मेध्य रसायनम भी कर सकते हैं और ये भी ले सकते हैं स्मृति वर्धक तैलम। विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रयोग थे वो मेध्य रसायनम और स्मृति वर्धक तैलम से किए जाते थे प्राचीन गुरुकुलों में। इसके लिए विद्यार्थी स्मृतिवान मेधावान और बुद्धिमान बन के अनेक शास्त्रों के रहस्यों को जानने वाला बनता था। उसका कारण था कि ऐसा रसायन प्रयोग हर एक गुरुकुल में कराए जाते थे। तो ये रसायन प्रयोग भी लोग करें और कुछ आहार विहार में भी ध्यान रखे अभी ठंड की ऋतु में, तो अवश्य ही उसके रसायन प्रयोग बहुत ही सफल हो पाएंगे और खास करके मस्तिष्क की सात्विकता को बढ़ा पाएंगे, मस्तिष्क को स्वस्थ रख पाएंगे और इसके कारण हम अनेक रोगों से बच पाएंगे। तो ये दो की बात हमको करनी थी। आगे और भी विषयों की बात हम करते जाएंगे, एक 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 के औषधियों के बारे में। आज हमने देखा ओ मेथ्य रसायनम और स्मृति वर्धक।